हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आज कितनी इंपॉर्टेंट सी चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी ओवर ड्राई स्किन होती है और इस ठंडी हवा में उनकी स्किन कई जगह से डैमेज हो जाती है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताऊंगी। उससे पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर देना चाहती हूँ शुरुआत में, ताकि आपसे किसी भी तरह की कोई भी गलती ना हो। मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी के तेल के कुछ ऐसे यूजेस जिससे आपकी स्किन, आपके आईब्रोज, आपके बाल, इनफैक्ट आपके जोड़ों के दर्द में भी वो आराम दिलाएगा। और जिन महिलाओं को ब्लोटिंग होती है, पीरियड्स के टाइम पे जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को भी इससे बेनिफिट आएगा। दूसरा, जिन लोगों को बहुत अजीब टाइप का कब्ज होता है, जिनको बहुत ज्यादा पेट दर्द होता है, एवरीडे पेट साफ हो रहा है लेकिन उसके बाद भी उनको पेट में कुछ ऐठन सी बनी रहती है कब्ज के कारण, तो उस तरह के स्पेशल कब्ज के लिए मैं इसका यूज बताऊंगी। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले मैं एक हिदायत देना चाहती हूँ, प्रेग्नेंट महिलाएं इसका इस्तेमाल नहीं करेंगी। 8 साल से छोटे बच्चों के ऊपर आप लोग इस ट्रीटमेंट को, इस कैस्टर ऑयल को इस्तेमाल नहीं करेंगे, खासकर इनटेक के लिए। बाहरी बॉडी पार्ट में आप इसका इस्तेमाल करेंगे लेकिन इनटेक आप इसका नहीं करेंगे। इनटेक लेने में आपको बहुत सावधानियां बरतना पड़ेंगी। पूरा एक एक चीज का मैं डिटेल बताऊंगी, अच्छे तरीके से बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा, लापरवाही नहीं कीजिएगा। कैस्टर ऑयल की तासीर काफी गर्म होती है तो इसके नुकसान भी होते हैं। जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ओवर सेंसिटिव है कि जरा सा डस्ट लग गई तो भी ददरी निकल आई, या जरा सा कीड़ा टच कर गया तो भी उनको वहां पे रिएक्शन हो गया, हल्के हल्के दाने निकल आए, तो उस तरह के स्किन वाले इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले मैं ये बातें क्लियर कर दे रही हूँ। अब हम जो है बात शुरू करते हैं बालों से, सर से लेके पैरों तक मैं इसका इस्तेमाल आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं उन लोगों को कैस्टर ऑयल यूज करने की सलाह दी जाती है, लेकिन सही तरीका नहीं बताया जाता है। कैस्टर ऑयल को गर्म करके इस्तेमाल करना है। गर्म करने के लिए मैं जब जब बोलूंगी इस ऑयल को, आपको इसकी एक सिंपल सी विधि है, उसी विधि के अनुसार इसे गर्म करना है। गैस के ऊपर रख के इसे खौलाना नहीं है, आपको पहले बर्तन को गर्म कर लेना है, उसे गैस से नीचे उतार लेना है और उसके बाद उसमें आपको कैस्टर ऑयल डालना है। तो गर्म करने का सही तरीका किसी भी ऑयल को यही होता है, डायरेक्ट गैस के ऊपर चढ़ा के उसका धुआं नहीं निकाला जाता है, ठीक है। तो पहले बालों में उसका इस्तेमाल समझ लेते हैं कैसे करना है। बालों में इस्तेमाल करने के लिए मेथी दाना, ये दाना, वो दाना सभी कुछ इसमें नहीं डालना है, ऑलरेडी ये गर्म होता है। आपको सिर्फ ऑयल को गर्म करना है और इसमें थोड़ा सा नींबू स्क्वीज कर देना है। बस नींबू मिले हुए ऑयल से आपको अपने बालों की अच्छी तरीके से फिंगर पोर से मसाज करनी है और आधे घंटे के बाद आपको हेयर वॉश कर लेना है। बालों में इसे लगा के ओवरनाइट छोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी तासीर होती है थोड़ा टाइट होने की। तो जब ये बालों में हम लगाते हैं, अपनी स्कैल्प पे लगाते हैं, तो ये बालों को एकदम जकड़ने लग जाता है, उसकी वजह से भी कई बार खिंचाव लगता है और हमारे बाल टूटते हैं। तो बेहतर है आधे घंटे आप लगाइए, ज्यादा एक घंटा लगा लीजिए, बस उसके बाद हेयर वॉश कर लीजिए। सेकेंड यूज इसका मैं बता रही हूँ आईब्रोज के लिए। आईब्रोज पे आपको सिंपल ऑयल नहीं यूज करना है। अगर आप उसकी आईब्रोज की ग्रोथ चाहते हैं तो थोड़ा सा उसमें ऑनियन का जूस मिला लीजिए, प्याज का रस मिला लीजिए, बहुत जरा सा, 1-2 ड्रॉप बस, इससे ज्यादा नहीं। और आप उसे फिंगर पे ऐसे से रब कर लीजिए पहले, और उसके बाद अपने आईब्रोज की 5 मिनट तक मसाज करिए। केवल उसको ऐसे चिपोड़ के छोड़ना नहीं है, वहां पर भी आपको जो है मसाज करना है करीब करीब 5 मिनट। अब बात करते हैं जिन लोगों को ब्रेस्ट में हल्का सा पेन होता है या गांठें महसूस होती हैं, या स्किन में कहीं भी आपको अगर गांठ हल्की सी महसूस हो कहीं भी मसल्स में, तो वहां भी आपको हल्का सा ऑयल को गर्म करना है और वहां पर भी आपको उस गांठ पे, उस एरिया पे जो है मसाज करना है, कम से कम 2 से 3 बार दिन भर में आपको वहां पे मसाज करना है। ये इतना गर्म होता है कि वहां पे अगर आपको किसी तरह का मांस में गुठली बन रही होगी ना, तो ये वहां पे मेल्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वहां की नसें जो है वो वर्क करना शुरू कर देंगी इस ऑयल की गर्मी से। तो ये 3 यूजेस मैंने आपको बता दिए। चौथे यूज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर महिलाएं पीरियड्स के टाइम पे उनको ऐठन होती है, तो अपने पेट के नाभि के नीचे हल्का सा आपको ऑयल लेना है, गर्म नहीं करना है, बस ऑयल लेना है और उससे आपको 3-4 दिन मसाज करना है, और फिर हीटिंग पैड से या जो गर्म पानी की पोटली होती है उससे, या नमक की पोटली होती है उससे आपको नीचे के एरिया की सिकाई करना है। इससे आपकी जो ऐठन है उसमें आराम आएगा, मसल्स वहां की रिलैक्स होंगी और आपको पीरियड्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जिन महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा पेन होता है, उस दर्द को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, उस टाइम पे वो गरम गरम दूध में जरा सा मसालदान की जो चम्मच होती है छोटी सी, उस छोटी सी चम्मच का भी आधा पार्ट लेके अरंडी का तेल दूध में, गरम दूध में मिक्स करना है और उसे पी कर सो जाना है। ध्यान रखिएगा, इससे पेट साफ होने की समस्या भी हो सकती है, इसलिए इसकी मात्रा ज्यादा नहीं करना है। गरम गरम दूध में सिर्फ 1 या 2 दिन आप लेंगे, आपको पीरियड्स जो है 6-7 दिन बहुत आराम से स्मूथली आपके निकल जाएंगे।
अगला यूज अरंडी के तेल का मैं बता दूं, कैस्टर ऑयल का, कि अगर आपको जोड़ों में कहीं पे पेन है, जैसे मुझे जब मौसम बदलता है तो यहाँ पे पेन होता है, यहाँ पे जो है कोई तकलीफ नहीं है मुझे, कोई हड्डी वगैरह नहीं बढ़ी है, लेकिन यहाँ पे कुछ गैप हो गया है, तो अक्सर मुझे यहाँ पे उभार में जो है दर्द महसूस होता है। अगर इसी तरह का कोई आपको पेन है लेकिन वहाँ पे स्वेलिंग नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको जोड़ों में दर्द महसूस हो रहा है, आप उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, उसके लिए आप दवाइयाँ ले रहे हैं लेकिन दवाइयाँ आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं पहुँचा रही हैं, उस टाइम पर आपको इसी तरह गर्म तेल करना है जो मैंने विधि बताई है, उस अनुसार उसे गर्म कीजिए और वहां पर आप जो है ज्वाइंट पे मसाज करिए हल्की फुल्की, और हो सके तो थोड़ी सी सिकाई कर लीजिए। एक पत्ता मैं बता रही हूँ जो कि हम पत्थर चट्टा के नाम से जानते हैं, अगर आपको जोड़ों में दर्द है तो अरंडी के तेल की हल्की सी मालिश करके उस पत्ते को तवे पे हल्का सा सेक के वहां पर आप बांध लेंगे तो आपका दर्द जो है वो खिंच जाएगा। पत्ते की स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ, साथ में उसका नाम मेंशन कर दे रही हूँ। पत्थर चट्टा बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, जंगली प्लांट की तरह फैलता है तो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। जिन लोगों को स्टोन की प्रॉब्लम होती है वो लोग इसका सेवन करते हैं, मैंने भी अपने चैनल पर उसकी वीडियो अपलोड की है। ये तो बात हो गई जोड़ों की, अब बात कर लेते हैं पैर के तलवों की। तो पैर के तलवों में जिन लोगों को ड्राइनेस होती है, जिन लोगों को बीमारियां फटती हैं, वो लोग भी इसका जो है ऑयल लें और मसाज करके रात भर के लिए लगा छोड़ दें, और मॉर्निंग में आप अपने गुनगुने पानी से पैरों को वॉश कर लें तो तेल का असर निकल जाएगा, लेकिन आपकी वहां की त्वचा जो है बहुत सॉफ्ट हो जाएगी। जिन लोगों को फिंगर्स में नाखून के पास यहाँ पे त्वचा निकलने की समस्या होती है, वो लोग भी इसका इस्तेमाल करें। अपने नाखूनों पर आराम से चारों तरफ आप लगाइए, हल्की सी मसाज करिए, रात भर लगा रहने दीजिए और अगले दिन आप उसको वॉश करिए। तो ये बहुत ही प्यारे प्यारे से यूजेस हैं। कुछ स्पेशल यूजेस भी मैं आप लोगों को इसके बता देती हूँ अरंडी के तेल के। जिन लोगों को अनिद्रा की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को नींद नहीं आती है, वो लोग अरंडी के तेल को अपनी फिंगर पे लें और आंखों पे यहाँ पे हल्की हल्की मसाज करना है, आपको प्रेस नहीं करना है, सिर्फ मसाज करना है, बहुत आराम आएगा, बहुत अच्छे से आपको नींद आएगी, बहुत रिलैक्स बॉडी हो जाएगी। और कैस्टर ऑयल के मैं दो यूजेस और भी बता देती हूँ। जिन लोगों के फेस पे अनवांटेड तेल होते हैं या शरीर में कहीं भी तेल होते हैं जिसे वो हाइड करना चाहते हैं, वहाँ पर लगातार कम से कम 15 से 20 दिन अरंडी का तेल लगाना चाहिए। उससे वो निशान हल्के पड़ जाते हैं, तेल के दाग जो है हल्के पड़ जाते हैं और कई लोगों के मिट भी जाते हैं, लेकिन 100% पूरी तरह से क्लियर होगा इस बात की भी कोई गारंटी नहीं लेता, क्योंकि तेल का जो है कोई उपचार नहीं होता है। दूसरा, जिन लोगों को लंबे समय तक कब्ज बनता है पेट में, वो लोग भी लगातार कम से कम एक हफ्ते अरंडी के तेल का इस्तेमाल करें दूध के साथ लेने के लिए, जैसा मैंने वीडियो में बताया है सेम उसी प्रोसेस से, तो उन लोगों की आंतों का जो है ना, आंतों की सफाई होना शुरू हो जाती है, आंतें क्लीन होना शुरू हो जाती हैं, जो भी जमा हुआ गंदगी होती है हमारी आंतों में चिपक जाती है, पुरानी से पुरानी गंदगी, वो इस रेमेडी से बाहर हो जाती है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा कब्ज बनता है, बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है, वो लोग जो है दूध में लेके एक गिलास दूध में जरा सा अरंडी का तेल 2 से 3 दिन रात के टाइम में यूज करेंगे, और ध्यान रखिएगा कि ये ना 2-3 घंटे में ही वर्क करने लग जाता है। अगर आप इसको रात में 7 बजे पी रहे हैं, 8 बजे पी रहे हैं, तो हो सकता है आपको मिड नाइट में वॉशरूम जाना पड़ जाए, क्योंकि ये बहुत जल्दी वर्क करता है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा पेट में ब्लोटिंग होती है, कब्ज बनता है, उन लोगों के लिए ये रामबाण औषधि है, लेकिन एज का ध्यान रखिएगा, प्रेग्नेंट महिलाएं नहीं लेंगी और जो है बच्चों के ऊपर हम इसका एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। 7 से 8 साल के बच्चे जब उससे बड़े हो जाएं तब आप उनको थोड़ा सा दे सकते हैं, लेकिन उससे छोटे बच्चों को आप नहीं देंगे। ये कुछ खास यूजेस अरंडी के तेल के मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काम की होगी। अगर ये वीडियो काम की है तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, और कोई भी कंफ्यूजन हो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगी।